जान निकल गई पूरी। बाश 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 बाश, मेरी ये बोर्ड गिरा दी तूने। हाँ मेरी पाशी, क्या हो गया? आज तेरे को नहलाना था, लेकिन आज तेरे को छोड़ रहा हूँ, देख ले। आज तेरे को बकश रहा हूँ मैं, कल नहीं बख्शूंगा, नहलाऊंगा कल, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, बाय, रात को मिलेंगे, बाय बाय। मेरे को ना हल्का सा फीवर फील हो रहा है यार, अब तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं रात सोया, मतलब रात को भी ढंग से नहीं सोया, सुबह ही सोए, सुबह सोया मैं कोई करीब 3-4 बजे, मैं अगले दिन उठा 2 बजे दोपहर में, ऐसी नहीं रही मेरे को, ठीक है? तो आज का दिन वेस्ट हो गया, आज एक दो काम निपटाने थे यार, जाना था मेरे को जरा साउथ दिल्ली में, लेकिन वो काम नहीं हो रहा, तो बस मैंने कहा घर पे बड़े बड़े क्या करेंगे, जिम चलते हैं, 5 बज चुके हैं शाम के, जिम चलते हैं और करते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्कआउट, क्योंकि ना खुद को अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। भाई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी सीरियसली, और ना कल से मैं लालू की लेटा ही हुआ था, और ऐसा 3-4 साल बाद हुआ है कि मेरे को फीवर वीवर हुआ है, बड़ा बुरा होता है यार, मेरा शरीर पूरा डूब जाता है सीरियसली। मैं यार थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, हल्का हल्का वर्कआउट करूँगा तो थोड़ा अच्छा फील होगा, वैसे तो नहीं करना चाहिए फीवर वर्कआउट, और ज़्यादा मतलब थकान होगी तो फीवर ज़्यादा चढ़ेगा, लेकिन अब फीवर नहीं है, बस थोड़ा सा डलनेस फील हो रही है। इसी में लगा रहेगा, वर्कआउट भी करेगा, फोन के चक्कर में अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं। पानी की बोतल निकाल लेते हैं, टॉवल निकाल लेते हैं, और ये बस मच्छरों के मौसम में जिम पे बैठे भाई, जिम पे बैठे तो मच्छरों ने ना बुरा हाल कर दिया, तो ये आती है अगरबत्ती गुड नाइट की, वैसे बेस्ट है ना जो वो आती है उसकी, ब्लैक ड्रैगन की, लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है यार। और इस टाइम भाई मच्छरों का आतंक है, मैं तो कह रहा हूँ आप भी बच के रहो, वो आते हैं ना ओडोमोस, ओडोमोस वो लगा के रखो अपनी बॉडी में पूरा। सस्ती रेड बुल, सस्ती रेड बुल पी रहा है, मैं वैसे ही तबीयत खराब है मेरी, वर्कआउट देखना मेरा, मेरे पर क्यों डाल रहा था, तो तेरी थाई है, इसका देखना इसके चैनल पे उल्टियां गिरेगी इसकी आज, पहले एनर्जी दिलवा रहे कि आज थके ना, कह रहा है मैं भी पी लेता हूँ आज, फिर ना थाई है ना आज, मैं पी ले भाई। ओए बारिश, बारिश आने वाली है भाई, बूंदाबांदी शुरू हो गई, आज की ताजा खबर। जान निकल गई पूरी, और 10-15 मिनट भी और करता ना सीरियसली चक्कर आ जाते भाई, पूरी बदन पूरी बॉडी टूट गई और बुरा हाल हो गया, ठीक है? और जबकि मैंने सिर्फ बैक की 5 एक्सरसाइज करी है, 5 एक्सरसाइज में बुरा हाल हो गया, लेकिन ये कि कली ढंग से। हाँ भाई क्या हाल है खान साहब? मेरा जी करदा, कॉपीराइट ना आ जाए ना इसलिए बंद कर देता हूँ भाई। 9:40 हो गए और 10 बजे जिम क्लोज करने का टाइम है, तो चला जाए घर, क्योंकि भाई मेरे को लग भाई बहुत भूख, वर्कआउट के बाद लग जाती है भूख, और है ना बताया आपको फीवर है तो 3-4 दिन से ढंग से कुछ खा नहीं रहा, तो घर ही निकलते हैं सीधा यहाँ से, बैग कर लिया मैंने पैक अपना, चलते हैं घर। हाँ पहुँच गए भाई फाइनली। अच्छा करीब 2 से 2.5 घंटे हो गए होंगे, पाशा बिल्कुल अकेला है और कोई नहीं है उसके पास, और उसको धीरे 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 ना थोड़ा सा अकेला रहने की आदत डाली है यार, क्योंकि काम से इधर उधर जाना पड़ता है, तो अब ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे वो अकेले रह लेता है, तो अब रिकॉर्ड करते हैं उसका रिएक्शन क्या हुआ, देख रहा तो पागल हो जाएगा देख के ना, मैं देखना दिखाता हूँ तुम्हें। उसको बिस्किट चाहिए आते ही मेरे से ना, मतलब ये पनिशमेंट है मेरी, अगर उसको अकेला छोड़ा है तो उसको बिस्किट देने पड़ेंगे, देखते हैं।
पाशा पाजू। चलो अंदर चलो। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। हाँ 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 हाँ, क्या हो गया क्या हो गया? देख लो भाई, इसको एसी इसके लिए बना के छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे कहीं भी जाओ अभी एसी चाहिए इसको प्रॉपर। हाँ मेरा बेटा, शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय। क्या हुआ क्या हुआ बताओ? बाश बाश मेरी एयरपोर्ट गिरा दी तूने भाई। पनिशमेंट तो भूल ही गया था मैं अपनी, इसको बिस्किट देने। ये रखे बिस्किट बिस्किट। हाँ क्या क्या चाहिए क्या चाहिए? बहू कर दे एक बार, बहू कर दे। शाबाश, बिस्किट चाहिए बिस्किट। अब ये इस दुनिया का सबसे सिंसियर कुत्ता है, जब तक मेरे हाथ में ये बिस्किट है, ठीक है? अब आप इससे कुछ भी करवा सकते हो इस टाइम पे। इधर बैठो, बिस्किट चाहिए? वेट, कैच, गुड बॉय। अब देखना सारी बात मानेगा मेरी, आशी बिस्किट वेट नो 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 ईट। अरे वाह गुड बॉय, सिट सिट सिट, गुड बॉय वेट नो नो आशा नो ईट। अरे वाह गुड बॉय। चलो भाई मिलता हूँ आपसे सुबह। सो गाइस फाइनली मैं उठ गया हूँ, अभी 8 बज रहे हैं, जस्ट उठाऊँ अभी और फटाफट फ्रेश फ्रेश होके 2 बनाना खाऊंगा, 1 ब्लैक कॉफ़ी और आज सुबह ही वर्कआउट निपटा देते हैं, उसके बाद थोड़े से काम है वो निपटाते हैं। बाय, आता हूँ सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में आता हूँ। बाय बाय, चलो चलो तेरे को नहीं लेके जा रहा। बाय। शाबाश शाबाश, क्या कर रहा? केले खा। तूने नहीं करी क्या? कल भी सुबह आ गया एक्सरसाइज करने, कल इवनिंग में करूंगा भाई। स्वर देख रहे हो, एक ग्लो, ये मेहनत का ग्लो है। बस आ रहा हूँ। मम्मी ये मेहनत का ग्लो है भाई, बस अब पता है क्या यार, मैं काफ़ी टाइम से 6-7 साल से वर्कआउट कर नहीं रहा था, मैं छोड़ना नहीं चाहता था वर्कआउट, मतलब 4-5 महीने हो गए मेरे को, 3-4 महीने हो गए, 3-3.5 महीने हो गए ऑलमोस्ट रेगुलर करते हुए। तो मैं अब सोच रहा था इसकी बनाई करूँगा, क्या होता है शाम के चक्कर में ना सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि दिमाग में रहता शाम को वर्कआउट करना है, तो कहीं जाना होता है काम से, ऑफिस के काम से कुछ भी होता है वो सब छूट जाता है। लेकिन अब सुबह आज निपट गया ना, आज मेरा पूरा दिन सही जाएगा और पूरा दिन फ्री मिल जाएगा मेरे को, तो मैं शाम को आराम से सारे काम अपने पेंडिंग जो भी है वो निपटा सकता हूँ। चलो फिर भाई, क्लोजिंग का भी टाइम हो गया जिनके, कर दे क्लोज का। आज गाइस दोपहर में ना सारे काम निपटा लिए मैंने, और ऑफिस में मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ के जो कलीग्स हैं ना मेरे वो अनकम्फर्टेबल रहते हैं, तो ठीक है जो जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। अभी आके आप ही के लिए थोड़ा बहुत एक आज वीडियो आने वाली शाम की, उसी का डाटा कॉपी कर रहा हूँ, देख लो। ये तो 2 वीडियोस का डाटा है, मतलब 2 सिर्फ फाइल्स का, ये पूरी पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको कि आपके क्वालिटी के चक्कर में ना हमारी फाइल कितने उसके बन जाती है। सॉरी मैं पूरी फोल्डर का ही देख लेते हैं ना, पूरे फोल्डर का ही देख लेते हैं। हॉन्टेड वीडियो का डाटा आपका बन रहा है, ये देखिए जी 46 GB एक वीडियो, ठीक है? और अभी ये एडिट होगी ना कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? अभी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैंने एक वीडियो डिलीट करी है, कर दी जो लास्ट वीडियो है ना अपनी, जो भी लास्ट वीडियो आई है, क्या नाम है उसका, जतिंगा वैली के ऊपर, वो वीडियो 9 मिनट की है और वो
30 से 32 जीबी की बनी है, 4K फाइल है, देख लो आप। और यही चल रहा है भाई, कॉफ़ी एक ये, और अब निकलते हैं दोबारा बैक टू जिम, क्योंकि टाइम हो गया है 4 बजने में, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अब निकलते हैं फिर से जिम पे, 5 बजे जिम ओपन होगा। अब एक्सरसाइज तो सुबह कर ली थी, लेकिन जिम पे जाके थोड़ा सा बैठेंगे बस। और गाइस सीरियसली ना, मैं आप इन दिनों को ना बहुत मिस करता हूँ, बहुत, इस सीन को खासकर। ये देखो, ये बेस्ट फुटेज अगर हो सकती है ना तो वो देते हैं। सामने देखो दो टाइगर बैठे हैं। ये देखो, मैं इस वाले कैमरे की फुटेज डाल रहा हूँ। ये देखो, दो टाइगर बैठे हैं प्रॉपर, और प्रॉपर चल रहे हैं, देख रहे हो। टाइगर साइज देखो, ये था हमारा लक। मेरा मन करता है यहाँ पे बार बार जाने का और इनको देखने का। जाएंगे जल्दी दोबारा, देखते हैं। देखो, दो टाइगर तो ये रहे, और एक ये हमारे टाइगर साहब सो रहे हैं। आज मैं जल्दी उठाऊँ ना तो इसके भी स्लीपिंग जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया। सो रहा है आज। चले भाई जिम पहले, लेकिन उससे पहले गाड़ी मैंने भी देखी ना, तो शायद गाड़ी या तो किसी ने हवा निकाली है या वो पंचा है, क्योंकि नाइट्रोजन मिलती है गाड़ी के अंदर, वो निकलनी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। पहले एक बार नाइट्रोजन इसमें रिफिल करा लेते हैं, जिम चलते हैं जिम। शाम के 5 बज रहे हैं, और मौसम देखो यार, क्या मौसम हो रहा है, एक नंबर। और कोई गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, मजा आ गया। अच्छा, एक चीज से और यार टेंशन हो गई अपने को, तो भाई दिल्ली में मास्क वास्क का सिस्टम आ गया दोबारा, 500 रुपए के चलान के साथ। भाई साहब, इतनी मुश्किल से तो पीछे छूटा था भाई, मेरे को तो सांस ही घुटती है मास्क लगाते हुए, लेकिन दोबारा चल गया सिस्टम। में तो एक मॉल में गया, जब मेरे को पता लगा बिना मास्क एंट्री नहीं, फिर मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे दिल्ली में 8 केस 9 केस रोज के भाई आ रहे हैं कोरोना के। मैंने कहा अच्छा भाई, अपन अपडेट ही नहीं थे। सीरियसली गाइस, मौसम हो रहा है खतरनाक, बहुत बहुत खतरनाक। अभी बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी थी, और अपन भरवा रहे हैं इधर नाइट्रोजन। बहुत बहुत सही हो रहा है मौसम, बहुत सही, बहुत बढ़िया। बस जाम ना मिले मेरे को यहाँ से अब जिम तक ना, पता नहीं क्या है ये उसका होगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि व्लॉग एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई, इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं चलती, ये अनस्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। इसलिए व्लॉग करने में मज़ा आता है, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जो मन में आता है वो करो। और लव यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, और आप बिना सब्सक्राइब करे देखना पाप होता है चैनल, तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।